हैप्पी दीपावली। और दिवाली का फेस्टिवल ऐसा होता है कि अच्छा मुहूर्त होता है, मुहूर्त के तौर पे हम काफी अच्छे स्टॉक्स लेने की कोशिश करते हैं। और धनतेरस भी गया, रूप चौदस गई, दीपावली आई, धनतेरस के दिन भी मैंने जी बिजनेस में काफी सारे स्टॉक्स रेकमेंड किए थे, तीन स्टॉक पर्टिकुलरली। एक बात और कह दूं कि पिछले साल से इस साल तक, इस दिवाली तक काफी सारे स्टॉक्स जो रेकमेंड किए बहुत जबरदस्त रिटर्न्स दिए, और इस साल हो सकता है कि आने वाले दिवाली तक उतने रिटर्न्स नहीं दे स्टॉक्स, क्योंकि अब यह है कि मार्केट्स में कहीं ना कहीं स्ट्रांग रिसर्च की, कन्विक्शन की जरूरत है। जो एक ड्रीम रन था वो हो गया, स्मॉल कैप्स मिड कैप्स बहुत बढ़िया चल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मिड कैप स्मॉल कैप वापस से नहीं चलेंगे, बट बहुत जो ज्यादा चल चुके हैं वो स्टॉक्स में थोड़ा करेक्शन हमने देखा पिछले कुछ दिनों में। अक्टूबर में एफआईआई की जबरदस्त सेलिंग देखी, बट फिर भी हमारी जो तीसरी महाशक्ति है, रिटेल इन्वेस्टर्स, जो म्यूचुअल फंड्स है, डीआईआईज है, उनके थ्रू गजब क्या इन्वेस्ट किया हुआ है बाजार में, पीएमएसएस के थ्रू, एआईएफ्स के थ्रू। और हमने देखा कैसे फैमिली ऑफिसर्स, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स के, वो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं मार्केट में। तो यही कहना है, आज एक बहुत बढ़िया बात अनिल जी ने कही, मैं आज ये शो के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ मुहूर्त ट्रेडिंग का, अभी अभी मैं शो करके आ रहा हूँ जी बिजनेस पे। और भागना नहीं है मार्केट से, मार्केट में भाग लेना है, यानी कि पार्टिसिपेट करना है, भले ही वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हो। आप अगर नए इन्वेस्टर हैं, कैपिटल छोटी है, तो म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी के थ्रू पार्टिसिपेट कीजिए। और अगर आपके पास कैपिटल है और आपके पास थोड़ा समय भी है और आपको नॉलेज भी है, तो आप डायरेक्ट भी इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम हम तो यही कहेंगे कि बड़ी कैपिटल हो तो आप पीएमएसएस और एआईएफ के थ्रू भी निवेश कर सकते हैं। और अभी रिसेंटली हमारे पीएमएस ने भी गजब के रिटर्न्स दिए। इनफैक्ट पिछले 6 महीने में, सितंबर 30 तारीख तक का, जो अप्रैल 1 तारीख से सितंबर 30 तारीख तक के रिटर्न्स, मल्टी एसेट कैटेगरी में ट्रेडशिप का पीएमएस वॉज नंबर 1, एंड देयर वी कुड जेनरेट अराउंड 28.98%, यानी कि 29% टू बी प्रिसाइज। और अभी अक्टूबर का भी जो महीना कल खत्म हुआ 31 तारीख को, वहां पे भी हमारा आउट परफॉर्मेंस था, जो कि अभी एग्जैक्ट नंबर्स अभी नहीं है हमारे पास, क्योंकि वो 9-10 तारीख तक आएंगे नवंबर की। बट आज जो इस वीडियो को बनाने का जो पर्पज है वो है पिक्स देने का। और पटाखा शेयर जो कि मैंने धनतेरस के दिन दिया था, उस दिन मैंने एक और जो जेम स्टॉक दिया था सुबह सुबह, वो गजब का परफॉर्म किया, दी अनूप इंजीनियरिंग, और नीचे आए तो अनूप इंजीनियरिंग को लेना है, मुझे ऐसा लगता है। एक बेहतरीन कंपनी, बेहतरीन क्वार्टरली रिजल्ट्स दिए, बट पटाखा शेयर जो थे वो तीन स्टॉक्स दिए थे, जिसमें वेल्सपन लिविंग, एक बेहतरीन होम टेक्सटाइल्स की कंपनी, वेल्सपन ग्रुप इज डूइंग वेरी वेल, और आगे भी, इनफैक्ट विंबलडन के लिए जाना जाता है, वहां पे जो टॉवल सप्लाई होती है वो इस कंपनी के जाते हैं, और बहुत ही अच्छी मैनेजमेंट है कंपनी की, अच्छी ग्रोथ दिखा रही है। और टेक्सटाइल्स के स्टॉक्स मुझे लगता है कि आने वाले साल में चल सकते हैं, वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत महंगे नहीं है। सो 230 के टारगेट के लिए वेल्सपन लिविंग दिया था। फिर मैं टूरिज्म सेक्टर पे, हमारी रिसर्च टीम की तरफ से हम लोग काफी सारे टूरिज्म सेक्टर के स्टॉक्स, जो टूरिज्म सेक्टर पे हम वेरी वेरी बुलिश, जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वेड इन इंडिया को पॉपुलराइज किया, बाहर नहीं जाके भारत में ही शादी करें। और प्लस जो दूसरी बात है कि जो रिवेंज कंजम्पशन था, जो रिवेंज टूरिज्म है, या ओवरऑल जो एक्सटेंडेड वीकेंड्स पे या स्टेकेशंस या गेटअवेज और ये सारी चीज़ों का जो ट्रेंड चला है, तो वो भी एक बहुत गजब का ट्रेंड है। और ईआईएच एसोसिएटेड होटल्स, जिनकी जयपुर में भी एक बेहतरीन प्रॉपर्टी है राजविलास, और ये ग्रुप बहुत ही गजब का है, ओबेरॉय ग्रुप है इसमें, इनफैक्ट रहेजा ग्रुप भी है, और अच्छा खासा इनफैक्ट इनके प्रॉपर्टीज है ट्राइडेंट और राजविला, जैसा मैंने कहा। तो 490-530 के टारगेट के लिए स्टॉक को दिया था। तीसरा स्टॉक दिया था पिक्स ट्रांसमिशन, जो कि धनतेरस 29 तारीख को जो ये शो हुआ था उसके बाद अच्छा खासा चल गया था, और सारे स्टॉक्स आज भी, इनफैक्ट दिवाली के दिन अच्छा मुहूर्त ट्रेडिंग रहा, मिड कैप स्मॉल कैप में पिछले 2 दिनों में बहुत बढ़िया तेजी आई है। बट एक आप इन नोट करके रखिए इन स्टॉक्स को, और जब भी ये नीचे आए तो लेने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मार्केट्स ऐसा नहीं कि हमेशा ही ऊपर जाता रहेगा, करेक्शंस भी आएंगे। मार्केट वो कंफर्ट जोन में नहीं कि जहाँ पे कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आती है, नीचे के लेवल्स 23,800 से 24,000 या 200-300 ये रेंज है जहाँ पे सपोर्ट लेता है। ऊपर हमने देखा 25,200 पे एक रेजिस्टेंस लिया, बट अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो अब इंडिया के फंडामेंटल्स को बेहतर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पास्ट में हमने देखा कि सारे चीज़ें पॉजिटिव थी, इस बार थोड़े क्वार्टरली नंबर्स ज़्यादा अच्छे नहीं आए, मैं ये बोलूँगा, हल्के तो नहीं बोला, कुछ सेक्टर्स में हल्के आए हैं, कुछ ऑटो सेक्टर बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। अब सेक्टर स्पेसिफिक चलेगा और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज़्यादा देखने मिलेगा, क्वालिटी स्टॉक्स जहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे हैं, टेलमेंट्स अच्छे हैं, तो
तो यही चीज के लिए मैं बोल रहा हूं कि आप नोट करके रखिएगा। आज जो मुहूर्त ट्रेडिंग में मैंने स्टॉक्स दिए थे वो भी तीन एकदम फ्रेश आइडियाज है जिनको मैंने कोई भी सेगमेंट में कभी भी कोई भी मीडिया पे भी डिस्कस नहीं किया है, और वह आरती फार्मा लैब्स। आई एम वेरी बुलिश ऑन फार्मा स्टॉक्स, और मुझे ऐसा लगता है जो सीएमओ और सीडीएमओ जो ऑपरेशंस वाली कंपनियां हैं वो अच्छा करेगी, उन्हीं में से एक ये कंपनी भी है। और 825 के टारगेट के लिए स्टॉक को दिया था। फिर एक टाटा ग्रुप की कंपनी, टाटा केमिकल्स की कंपनी, इनफैक्ट रैलिस इंडिया और क्रॉप प्रोटेक्शन क्रॉप केयर की एक बेहतरीन कंपनी, और मुझे ऐसा लगता है ये एग्री इनपुट्स वाली केमिकल्स वाली कंपनियां भी बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं की है, बट आने वाले दिनों में ये कंपनियां अच्छा करेंगी ऐसा मेरा मानना है। तो 500 रुपये के टारगेट के लिए बड़ा टारगेट दिया है। और तीसरा स्टॉक जो आज मैंने दिया था वो है जीआरपी लिमिटेड। इनफैक्ट क्रम रबर में और रिसाइकलिंग में और अच्छा खासा इन्होंने कैपेक्स भी किया हुआ है, और इस सेक्टर से मैंने एक स्टॉक दिया था कुछ ही दिन पहले टीना रबर, जो कि ऑलरेडी बहुत परफॉर्म कर चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक भी अच्छा करेगा काफ़ी। इनके 5 वर्टिकल्स में कंपनी काम करती है और इनफैक्ट अलग अलग प्रोडक्ट्स में है, और जो मेजरली 1974 से कंपनी कार्यरत है, और रिक्लेम रबर, इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स, रिपर्पज्ड पॉलीएलेफिन्स और पॉलीमर कंपोजिट और कस्टम डाइफॉर्म्स और 7 करीब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के थ्रू करती है, और 1600-1700 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी। आज बोलते बोलते इनफैक्ट 5% चल गया था, बट एट द सेम टाइम आई विल से दैट कि ऊपर के लेवल से 4800 के लेवल से स्टॉक काफ़ी करेक्ट किया है, और टारगेट मैंने दिया 3900 का। तो ये तो हो गए जो एकदम 6 आइडिया जो टीवी पे शेयर किए थे, और अब इस YouTube चैनल के माध्यम से हमारी रिसर्च टीम ने भी काफ़ी अच्छे स्टॉक्स और भी निकाले जो कि रिपीट आइडियाज है, बट बहुत बढ़िया आइडियाज है, क्योंकि स्टॉक्स चले भी है, करेक्ट भी हुए हैं, अपने 200 डेमास के आसपास भी काफ़ी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़िया है। तो हिम्मत करनी चाहिए जहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, जहाँ पे फंडामेंटल्स अच्छे हैं, वैल्यूएशंस रीजनेबल है। तो वैसा ही एक स्टॉक है LG बाला कृष्णन एंड ब्रदर्स, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स है, काफ़ी बार रेकमेंड किया हुआ स्टॉक, और हर बार टारगेट अचीव होता है क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत सस्ते हैं। और हालांकि ऑटो सेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक फिर भी अच्छा करेगा। 1550-1590 के टारगेट के लिए स्टॉक को हम रेकमेंड करते हैं। दूसरा डीलिंक, जो कि मैंने पिछले दिवाली पे भी रेकमेंड किया था, मुझे ध्यान है 300 के लगभग ये स्टॉक रेकमेंडेड था, ऊपर काफ़ी 700 तक भी गया और अभी करेक्ट होकर 550 के लगभग है। 630-650 के टारगेट के लिए इस स्टॉक को लेना चाहिए। MPS लिमिटेड, अगेन IT सर्विसेज वाली कंपनियां बढ़िया लगती है, और ये भी स्टॉक अच्छी है, एडुकेशन सेक्टर से भी रिलेटेड है। 2150 पे ये, इनफैक्ट सॉरी 2450 और 2490 के टारगेट के लिए इस स्टॉक को ले। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज, अगेन एन आउट परफॉर्मर, गजब का परफॉर्म कर रहा है, थोड़ा करेक्ट हुआ ऊपर के लेवल से, अच्छी ऑर्डर बुक पोजीशन, और ये जो फोर्जिंग्स वाली कंपनियां ये बहुत बढ़िया कर रही हैं क्योंकि यूजर इंडस्ट्रीज बहुत थ्राइव कर रही हैं। सो 830-850 के टारगेट के लिए बालू फोर्ज। तो ये सारे 10 स्टॉक्स मैंने दे दिए, वेल्सपन लिविंग, EIH एसोसिएटेड, पिक्स ट्रांसमिशन, आरती फार्मा लैब्स, रैलिस इंडिया, GRP, LG बाला, डीलिंक, MPS लिमिटेड एंड बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज। वंस अगेन हैप्पी दिवाली, और कल इनफैक्ट भाई दूज है, इनफैक्ट कंफ्यूजन रहता कल है या परसों है, बट यस और गोवर्धन पूजा भी राजस्थान में सेलिब्रेट की जाती है, बहुत ज़बरदस्त फेस्टिवल है पूरा दिवाली। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला साल, आने वाला संवत आपके लिए बहुत ही अच्छा हो, मंगलदायी हो, अच्छा हेल्थ रहे, अच्छी वेल्थ बने, विजडम मिले हमें, और जॉय पूरा भरा रहे हमारी लाइफ में। सो हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली वंस अगेन। थैंक यू, नमस्कार।